नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर में। तो बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास 4 में मैं आपको आज बताऊंगी पोजेसिव केस ऑफ नाउंस के द्वारा बोले जाने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले। ओके, तो बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग मैं आपको पढ़ा रही थी और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे जो कि बेसिक से बिल्कुल ही बेसिक 0 से स्टार्ट है। तो प्लीज आप वो सब वीडियो को भी देख लें। तो आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास 4, जिसमें आप पोजेसिव केस ऑफ नाउंस के द्वारा बोले जाने वाले सेंटेंसेस को सीखोगे, सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखोगे। ओके, तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप न्यू हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और ये डेली यूज सेंटेंसेस है जो आप डेली बोलते हो, तो उसी को आज आपको इंग्लिश में बोलनी है। तो यहाँ है पोजेसिव केस ऑफ नाउंस के द्वारा बनाए गए कुछ सेंटेंसेस। इन सारे सेंटेंस और इन सारे सेंटेंस जैसे बहुत सारे सेंटेंस आप डेली लाइफ में यूज करते हो लेकिन आप हिंदी में बोलते हो, तो इन सारे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, किस तरीके से बोलोगे इस पोजेसिव केस ऑफ नाउंस वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में। तो आइए मैं देखती हूँ। पहले यहाँ पे अगर आपको पोजेसिव केस ऑफ नाउंस और एपोस्ट्रॉफी एस एपोस्ट्रॉफी वाले सेंटेंसेस बनाने नहीं आते कि ये कैसे बनते हैं, तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल योम इंग्लिश सेंटर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस पोजेसिव केस ऑफ नाउंस वाले वीडियो का लिंक दे दी हूँ, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो पोजेसिव केस ऑफ नाउंस का वीडियो। तो मैं पोजेसिव केस ऑफ नाउंस का 2 वीडियो बनाई हूँ जो कि आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव केस ऑफ नाउंस, तो ये D5 या D6 में पोजेसिव ऑफ केस ऑफ नाउंस की वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो मैं आज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास 4 में पोजेसिव केस ऑफ नाउंस के द्वारा बनाए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताऊंगी। और आज पोजेसिव केस ऑफ नाउंस का प्रैक्टिस क्लासेस है और इसे आप इंग्लिश में किस तरीके से बनाओगे, यहाँ कुछ सेंटेंस है इसे पोजेसिव केस ऑफ नाउंस में बनाना है। ये सारे सेंटेंस पोजेसिव केस ऑफ नाउंस में बनेंगे लेकिन आपको ये सारे सेंटेंस इंग्लिश हिंदी में बोलते हो, तो इसे इंग्लिश में आप किस तरीके से बोलोगे वो मैं आज आपको बता रही हूँ। या मुस्कान की किताब है तो इसका हो जाएंगे पोजेसिव केस ऑफ नाउंस में बनेंगे। ओके, तो या मुस्कान की किताब है तो इसका हो जाएंगे दिस इज मुस्कान्स बुक या दिस इज द बुक ऑफ मुस्कान। ओके, तो यहाँ हो जाएंगे या मुस्कान की किताब है दिस इज मुस्कान्स बुक या दिस इज द बुक ऑफ मुस्कान। तो आपको नहीं पता है कि कौन सेंटेंस एपोस्ट्रॉफी एस में बनेंगे, कौन एपोस्ट्रॉफी में बनेंगे और कौन ऑफ में बनेंगे, और कौन सा सेंटेंस एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों में बनेंगे। अगर नहीं पता है तो इसके लिए तो हमारे वीडियो देखना पड़ेगा आपको, जो कि मैं पोजेसिव केस ऑफ नाउंस की 2 वीडियो बना रखी हूँ, तो आपको दोनों वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएंगे कि किसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होते हैं, किसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज होते हैं और किसमें किसमें ऑफ का यूज होते हैं और किसमें दोनों का यूज होता है, एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का। तो ये जानने के लिए हमारे इस पोजेसिव केस ऑफ नाउंस का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोनों वीडियो के। तो चलिए मैं आगे देखती हूँ। सोहन का भाई बीमार है, तो इसका हो जाएंगे सोहन्स ब्रदर इज इल या द ब्रदर ऑफ सोहन इज इल। ओके, अब है इस नदी का पानी गंदा है, तो इसका हो जाएंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसका हो जाएंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मेरे भाइयों का स्वभाव अच्छा है, द नेचर ऑफ माई ब्रदर इज गुड,
द नेचर ऑफ माई ब्रदर्स इज गुड. टेबल की ऊंचाई 3 फुट है. तो द हाइट ऑफ द टेबल इज 3 फुट. द हाइट ऑफ द टेबल इज 3 फीट. या मोहन का दोस्त है. तो इसका हो जाएंगे दिस इज द फ्रेंड ऑफ मोहन. मोहन का दोस्त नेक है. द फ्रेंड ऑफ मोहन इज जेंटल. मोहन का दोस्त एक सीए है. द फ्रेंड ऑफ मोहन इज आ सीए. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस थे जिसे आप पोजेसिव केस ऑफ नाउंस में बनाओगे. तो इस तरीके के सेंटेंस को आप पोजेसिव केस ऑफ नाउंस के द्वारा बनाओगे जिस तरीके से अभी मैं बनाई हूँ. तो किस में अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होंगे, किस में ऑफ का यूज होंगे और किस में दोनों का यूज होंगे, अपोस्ट्रॉफी एस और अपोस्ट्रॉफी दोनों का. तो आप देख सकते हो ये अपोस्ट्रॉफी में बने हुए हैं, ये भी अपोस्ट्रॉफी में बने हुए हैं और ये सारे सेंटेंस ऑफ में बने हुए हैं और ये वाले सेंटेंस भी आप अपोस्ट्रॉफीस में बना सकते हो. तो ये जानने के लिए हमारा वीडियो देखना पड़ेगा किस में अपोस्ट्रॉफीस एस लगेंगे, किस में अपोस्ट्रॉफी लगेंगे और किस में ऑफ लगेंगे और किस में दोनों का यूज होंगे, अपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का. तो आई होप कि ये समझ गए होंगे और ये प्रैक्टिस क्लास है. इस तरीके के सेंटेंस आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो खुद से और इस तरीके के सेंटेंस आप घर में बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे जो कि पजेसिव केस ऑफ नाउंस में बने होते हैं. तो यहाँ और भी कुछ सेंटेंस है, क्या आप इसे बना सकते हो? अगर बना सकते हैं तो ठीक है और अगर नहीं बना सकते हैं तो हमारे पोजेसिव केस ऑफ नाउंस वाले वीडियो आपको देखना पड़ेगा. 2 वीडियो बना रखी हूँ मैं पोजेसिव केस ऑफ नाउंस आपके लिए. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पोजेसिव केस ऑफ नाउंस के लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे दोनों वीडियो देख लीजिए, या फिर आई बटन या फिर चैनल और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी. तो आप कहीं से भी आप पोजेसिव केस ऑफ नाउंस वाले दोनों वीडियो मेरे देख सकते हो. तो चलिए मैं इसे बता देती हूँ, लेकिन आपको ये सारे सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे वो जानने के लिए हमारे वीडियो देखना पड़ेगा. किस में अपोस्ट्रॉफी एस लगेंगे और किस में ऑफ का यूज होंगे और किस में दोनों का यूज होंगे, वो सारे चीज आपको हमारे पोजेसिव केस ऑफ नाउंस वाले वीडियो में मिल जाएंगे. तो ये सारे सेंटेंस डेली लाइफ में यूज करे तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो. मैं पढ़ देती हूँ. इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है. गुलाब का रंग लाल है. इस पेड़ के फल मीठे हैं. कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है. भारत का भविष्य स्पष्ट है. लता की आवाज़ मधुर है. गाय का दूध मीठा होता है और गायों का दूध मीठा होता है. तो इन सारे सेंटेंस को आप डेली लाइफ में यूज करते हो ना, लेकिन हिंदी में बोलते हो. बस इसी को आपको इंग्लिश में बोलना है. तो ये प्रैक्टिस क्लास है पोजेसिव केस ऑफ नाउंस के. इसे मैं आपको बोल देती हूँ, इसे बना देती हूँ, लेकिन आपको इसे समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा जो कि हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन आई बटन से आप देख सकते हो. ओके, तो मैं इसे बना देती हूँ. इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है. तो इसका हो जाएंगे द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 100 रुपीज. गुलाब का रंग लाल है. तो गुलाब का रंग लाल है. इसका हो जाएंगे द कलर ऑफ रोज इज रेड. इस पेड़ के फल मीठे हैं. तो इसका हो जाएंगे द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज स्वीट. कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है. तो यहाँ हो जाएंगे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी. भारत का भविष्य स्पष्ट है. तो इसका हो जाएंगे द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज क्लियर. लता की आवाज़ मधुर है. द वॉइस ऑफ लता इज स्वीट. या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं लताज वॉइस
इज स्वीट, या द वॉइस ऑफ लताश इज स्वीट या प्लीजेंट। मधुर का इंग्लिश होते हैं स्वीट या प्लीजेंट, आप दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं। गाय का दूध मीठा होता है तो इसका हो जाएंगे काउश मिल्क इज स्वीट, द काउश मिल्क इज स्वीट। गायों का दूध मीठा होता है, काउश मिल्क आर स्वीट। तो इन सारे सेंटेंस पोजेसिव केस ऑफ नाउंस में बने हैं, और आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें काउ में एपोस्ट्रॉफी एस लगे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि काउश ये प्लुरल है लेकिन इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगे हुए हैं, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी है और इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुए हैं। तो इन सारे सेंटेंस को जानने के लिए यहाँ ऑफ से बने हैं तो किस में ऑफ लगेंगे, किस में एपोस्ट्रॉफी एस लगेंगे, किस में एपोस्ट्रॉफी लगेंगे और किस में दोनों से बनेंगे एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ से दोनों से, तो ये जानने के लिए हमारा पोजेसिव केस ऑफ नाउंस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ये थी हमारे पोजेसिव केस ऑफ नाउंस की प्रैक्टिस क्लास और बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास 4। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेंटर, जहाँ आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्सेज मिलेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, वोकैबुलरी। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेंटर।